आज हम बात करेंगे इस पानी के पंप के बारे में। ये कूलर का सबमर्सिबल पंप है। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस ऐसी है कि इसके अंदर की मैग्नेट साफ़ करो और अगर ये ख़राब हो गया तो चल पड़ेगा। तो बात करते हैं क्या वो सच्ची है या नहीं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर डालना है। ये हो गया, ठीक है। बीप की साउंड दे रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इंसुलेशन को हटा देते हैं इसमें से, ठीक है। अब हमने ये चेक करना है कि ये पंप सही भी है या नहीं। देखो, उस मैग्नेट पे हो सकता है कचरा आ जाए। हाँ, हो सकता है कि कचरा आने की वजह से पंप ना चले हमारा, पर सिर्फ वही कारण नहीं है कि पंप ना चले, क्योंकि अगर इसकी वाइंडिंग ही जो है जल गई है तो फिर ये इसका चलने का कोई मतलब नहीं बनता। कि चाहे आप उस मैग्नेट को जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, YouTube पे काफ़ी ऐसी वीडियोस है कि उस मैग्नेट को साफ़ करो और अपना ये पंप आपका सही हो जाएगा। नहीं, पर ऐसा बिल्कुल भी, मतलब बिना इसको चेक करे आपको उस स्टेप पे जाना ही नहीं है। आप इस पंप को दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर और दूसरा है सीरीज लैंप टेस्टर की मदद से, ठीक है। सीरीज लैंप आप घर पे भी बना सकते हैं, कोई मतलब इतनी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। एक होल्डर लो, दो तार कनेक्ट करो, ठीक है, बल्ब लगाओ और किसी भी एक तार को बीच में से काट दो और जो कटे हुए दो सिरे होंगे उन दो सिरों को इस पे लगाओ, ठीक है। और उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें करंट ना लगे, ये सब काम हमें सप्लाई ऑफ करके करना है, ठीक है। जब कनेक्ट कर दो फिर सप्लाई ऑन कर दो। अगर वो चलता है बल्ब तो इसकी वाइंडिंग डैमेज नहीं है, अगर बल्ब नहीं चलता तो इसकी वाइंडिंग अंदर से जल चुकी है, फूक गई है वाइंडिंग, ठीक है। अब दूसरा आते हैं हम मल्टीमीटर वाले पे हमने क्या करना है। अभी देखिए, मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, अभी ये कंटिन्यूटी मोड पे है, ठीक है, इस टाइम ऑफ है ये। हमने क्या करना है, मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पे डालना है। ये डल गया। अब चेक करना है कि मल्टीमीटर हमारा ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं। ये देखिए, ये बीप की साउंड दे रहा है, तो हमारा मल्टीमीटर ओके है। अब हमने इसका एक सिरा लेना है और एक मल्टीमीटर की प्रोब और एक मल्टीमीटर की प्रोब और फिर इसका दूसरा सिरा और ऐसे लगाना है। अब ये देखिए, अब ये कुछ वैल्यू शो कर रहा है पर हमें बीप की साउंड नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं है, तो इस वजह से बीप की साउंड नहीं आ रही। पर हमें ये कुछ वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब इसकी वाइंडिंग नहीं जली हुई और इसकी वाइंडिंग इससे पता चलता है कि ठीक ठाक है। तो अब हम दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं जिसमें हम इसकी मैग्नेट को साफ़ कर सकते हैं। अगर उसमें बाई चांस कोई कचरा वगैरह आ गया हो या कूलर की कई बार घासें भी उसमें अटक जाती हैं तो इस वजह से हमारा टर्बाइन जो है रोटेट नहीं हो पाता, तो हम यहाँ से उसको साफ़ कर सकते हैं और ये पंप चल पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करनी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।